जय सच्चिदानंद फ्रेंड्स, सुनीता राजपूत के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पोहे बनाने के लिए हमने 1 पाव के करीब मोटा वाला पोहा ले लिया है। इसको हम धुलाई कर लेंगे। और पोहे बनाने के लिए हमने सामग्री ली है राई, जीरा, सौंफ, हरी मिर्ची, करी पत्ता, नमक, मूंगफली, हल्दी, आधा नींबू, हरी धनिया, प्याज और तेल। धुले हुए पोहे में नमक डालकर हम उसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल करीब लिया है 4 चम्मच के करीब। इसमें डालेंगे हम राई, जीरा, सौंफ, कटी हुई मिर्ची, करी पत्ता, मूंगफली लेंगे और ये चटकने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। अब इसमें हम 3 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, 3 प्याज डालेंगे कटा हुआ और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी इधर लिया है हमने गीला नारियल, इसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है हमारा प्याज, अभी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अब भिगोए हुए पोहे डाल देंगे। इसमें जो गांठ पड़ी है उसको हाथ से अलग कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको गार्निशिंग कर लेंगे। इसको अभी सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। इसके ऊपर नमकीन डालेंगे, चीनी डालेंगे और नींबू निचोड़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।